हेलो नमस्ते गैस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गैस आप सब ठीक ही होंगे। तो गैस आप सबका स्वागत है आपके इस छोटे से भाई के छोटे से चैनल पर। तो देखो गैस, आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आज आप स्टीम से ह्यूमन फॉल फेट गेम खरीद सकते हो या परचेस कर सकते हो आप अपने पीसी या लैपटॉप के लिए। क्योंकि देखो गैस, काफी लोग न्यू गेमिंग पीसी लैपटॉप खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका या करेक्ट प्लेटफॉर्म पता नहीं होता है कि इस गेम को या दूसरा कोई सा भी पीसी गेम्स को आप कहाँ से 100% सेफली लेजिट तरीके से खरीद सकते हो। तो देखो गैस, आज मैं इसी कारण से आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ जहाँ आपको मैं फुल जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को फुल एंड तक देखना जिससे आपको फुल प्रोसेस समझ आ जाए एंड आप भी नेक्स्ट टाइम से गेम सेफली परचेस कर सके बिना कोई सिंगल मिस्टेक किए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम स्टीम वेबसाइट से स्टीम को डाउनलोड करेंगे एंड उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप कोई सा भी ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टीम सर्च करना है, स्टीम यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टीम सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहला वेबसाइट ये आपको दिख जाएगा, किसी का सेकेंड वेबसाइट या लिंक भी दिख जाएगा यहाँ पे कहीं पे। तो गाइस आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये लोगो आपको दिख जाएगा, ओरिजिनल लोगो आपको, मतलब ओरिजिनल वेबसाइट ही आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे, https://store.steampower.com के नाम से है ये लिंक है। यही आपको दूसरा लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, आप इसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो देखिए गाइस साइड में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतना बड़ा लोगो यार। आप स्टीम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताया गया कि स्टीम एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है। तो गाइस मैं भी थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ स्टीम क्या है। देखो गाइस, स्टीम एक डिजिटल वीडियो गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, सेम निंटेंडो, यूबीसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, ओरिजिन, इपिक गेम जैसा है एंड ऐसे बहुत सारे सेम प्लेटफॉर्म भी है जहां आप एप्स गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गैस मैं रियली बताऊं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट स्टीम ही है। वो क्यों? क्योंकि देखो गैस, स्टीम पर हमें छोटे साइज से बड़े साइज तक बहुत ही सारी अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी बेस्ड हो या हॉरर बेस्ड ही हो या दूसरा कोई सा भी कैटेगरीज का वीडियो गेम्स ही क्यों ना, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा स्टीम कम्युनिटी भी ऐसा अनेक फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जहां हम सब अपने मन चाहे फ्रेंड के साथ कनेक्ट होकर खेल सकते हैं। अब वॉइस चैट भी होता है, अब हम अपने फ्रेंड के साथ वॉइस चैट भी कर सकते हैं या हम अपने गेम अचीवमेंट्स भी होते हैं, गेम अचीवमेंट्स भी देख सकते हैं। एंड गाइस स्टीम का भी सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर मुझे वर्कशॉप लगता है। क्योंकि देखो गाइस, आज जो मैं गेम खरीदने वाला हूँ ह्यूमन फॉल फ्लैट गेम, उसमें भले ही आपको लिमिटेड लेवल्स मिल जाते बट इसमें हम वर्कशॉप की मदद से हम एक्स्ट्रा लेवल्स भी एड कर सकते हैं। तो गाइस आप इस लिंक पर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो आपको स्टीम वेबसाइट का वेब पेज खुल जाएगा यहाँ पे। देखो गाइस यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। देखो गाइस यहाँ पे आपको स्टीम इंस्टॉल स्टीम दिख जाएगा, तो यहाँ से आप स्टीम को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपका डाउनलोड फोल्डर में जहाँ भी हो। देखो गाइस यहाँ पे स्टीम है, डाउनलोड सेटअप टूल .exe फाइल के नेम से आपको यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस ऐसे यहाँ से, हाँ गाइस, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है वो इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है, बट जिनके पास अकाउंट नहीं है तो उसे न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ये लॉगिन पे, यहाँ पे आप ज्वाइन स्टीम पर क्लिक करके भी यहाँ से आप न्यू, ये तो लॉगिन करने वाला पेज है, ज्वाइन स्टीम पर आप क्लिक करने के बाद शायद, हाँ यहाँ पे गाइस क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने न्यू क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं। दूसरा भी है शायद यहाँ से, दूसरा तरह से भी आप लोग कर सकते हो। देखा ऐसे यहाँ होम पेज भी आ जाना है, इस होम पेज पे डाउन पर आप डाउन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एन एप पर क्लिक कर देना है, ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो गाइस आप अपना पर्सनल ईमेल ईमेल जो भी है वो डाल दीजिएगा गाइस, क्योंकि देखो गाइस आप अपना पर्सनल ईमेल डालने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी आप गेम स्टीम से परचेस करेंगे या जो भी कुछ भी आप करेंगे तो गाइस यहाँ पे इसी ईमेल एड्रेस पे आपको सारा कुछ का डिटेल्स आपको इसी ईमेल एड्रेस पे आने वाला है। एंड गाइस जब कभी आपको लॉग आउट या लॉग इन करना है तो आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए कुछ ओटीपी मांगता है आपको गाइस, तो इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो गाइस तो मैं पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप कर देता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने फिलअप करने के बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे गाइस पहले उससे गाइस यहाँ पे क्रॉस ऐसे हो जाने के बाद यहाँ पे गाइस कंट्री भी आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कंट्री से, तो आप गाइस उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद गाइस ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, तो गाइस वेरीफाई आप अपना ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो गाइस यहाँ पे इस विंडो को गाइस इसे क्लोज मत कीजिएगा,
जाएगा, नहीं तो क्लोज करने से वेरीफाई नहीं होगा। तो गाइस अब अपना ईमेल एड्रेस, अब अपना ईमेल खोल लेना है आपके जहाँ के भी ईमेल एड्रेस हो। तो गाइस वहाँ पे जैसे ही खोलेंगे तो गाइस आपको तो गाइस ये वाला इंटरफेस खुल जाता है गाइस। तो यहाँ पे वेरीफाई में ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देना, उसके बाद गाइस आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस आपको अभी आपको स्टीम अकाउंट नेम डालना है, मतलब ये यूजर नेम। तो आप गाइस कोई सा भी यूजर नेम डाल देना या आपका जो यूजर नेम डालना है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है गाइस, मैं यहाँ पे यही डाल देता हूँ या कुछ गाइस मैं रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ गाइस। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद गाइस डन कर देना, उसके बाद गाइस आपको आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस आपका यूजर नेम दिख जाएगा, उसके बाद गाइस क्लोज कर लीजिएगा। और जहाँ कहीं भी आपने डाउनलोड किया होगा अपने स्टीम को, जैसे जैसे मेरा डाउनलोड फोल्डर में स्टीम दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है इसे, तो मैं इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता, मतलब इंस्टॉल कर लेता। उसके बाद जैसे आप ये सब दिखेगा तब नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे देखो गाइस। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे आपका जो भी फोल्डर, इसमें से जो भी इसका जो भी इंस्टॉलेशन का लोकेशन, यहाँ पे जो 446 MB का आपको इतना नेट रहना चाहिए जो आपको यहाँ से डाउनलोड होने इंस्टॉल कर, जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा तो ये इतना फाइल कुछ डाउनलोड करेगा, 646 MB का, मतलब 500 MB का कुछ फाइल डाउनलोड करेगा। तो गाइस तो देख लेना आपका इस पे, तो आप देख लीजिएगा गाइस, आपको आपका कंप्यूटर में स्पेस रहना जरूरी है, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद टाइम लगेगा, ये इतना इंस्टॉल करने के बाद एक खुद पे खुद इंस्टॉल होने के बाद फिनिश दिख जाएगा यहाँ पे। तो गाइस मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा आपको। तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा, स्टीम खुलने के बाद आप यहाँ पे अपना उस स्टीम अकाउंट नेम या जो आपने यूजर नेम अपने जो वेबसाइट न्यू अकाउंट क्रिएट में आपने जो वहाँ पे डाले थे वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद साइन इन करके मैं आपको तो क्या गाइस, जैसे आप यूजर नेम डाल लिया पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप लॉग इन कीजिएगा तो आपसे एक स्टीम गार्ड वेरीफाई नंबर आपको एक जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया उस पर आपको भेज दिया जाएगा। देखो गाइस मैंने जैसे डाला उसके बाद एक कनेक्टिंग टू स्टीम, ओके गाइस स्टीम जैसे लॉग इन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर पर क्लिक करना है। उसके स्टोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीचर पर क्लिक कर लेना, उसके बाद सारा आपको इंटरफेस दिख जाएगा कि इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है एक स्टीम का। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे परमार फ्री एक गेम है जो आपको फ्री दिख जाता है यहाँ पे, उसके बाद पेड वाला है जो सारे पैसे लगते हैं इसमें, 1300 का गेम है। उसके बाद इस पर आप होवर कीजिएगा तो इस पर आपको शायद नहीं दिखा रहा, इस पर गाइस किसी पर दिखाता है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए सर नहीं दिखा रहा गाइस। देखो गाइस एपेक्स लेजेंड्स वेबसाइट फ्री, यहाँ फ्री टू प्ले है। उसके बाद इस पर ओवर कीजिएगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एसएस दिखा रहा है, मतलब स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता है गाइस, तो बहुत सारे यहाँ पे है। इसके बाद ऊपर में भी दिखाता है गाइस यहाँ पे कैटेगरीज, तो देखो गाइस यहाँ पे बहुत ही सारी अच्छी अच्छी कैटेगरीज का गेम्स मिल जाते हैं फ्री। यहाँ पे आपको जो भी फ्री वाले गेम्स आपको खेलना है तो गाइस वो फ्री वाले गेम्स आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद डेमोस भी, अर्ली एक्सेस, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे, उसके बाद एक्शन के अंदर इतना सारे बहुत सारे एडवेंचर, ये सब बहुत सारे गाइस आप सब खुद देख सकते हैं गाइस। हॉरर गेम भी है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे गाइस आप सब गाइस एक बार खुद इसे यूज कीजिएगा तो आप इसे खुद पता चल जाएगा। उसके बाद पॉइंट शॉप भी है, उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी है। तो गाइस यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको वो सब गेम दिख जाएगा जो आपको गेम डाउनलोड या इंस्टॉल या परचेस करके आप लोग यहाँ पे डाउनलोड्स पे आपको डाउनलोड दिख जाएगा जो गेम आपको डाउनलोड होते रहेगा। उसके बाद कम्युनिटी है गाइस, इस कम्युनिटी में आपको सब कुछ दिख जाएगा गाइस, जैसे मेरा इस कम्युनिटी में वर्कशॉप दिख जाता है गाइस। हाँ देखा गाइस देखा गाइस वर्कशॉप दिख जाता है, आई मेरा यूजर नेम, आपका भी यूजर नेम इसी तरह का दिख जाएगा। तो स्टोर पर चलते हैं तो गाइस गेम आपको दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे GTA 5 लिखता था गाइस, देखिए यहाँ पे GTA 5 का भी शायद कुछ ऑफर चल रहा है शायद, इसलिए 953 है। इसका ओरिजिनल प्राइस 2000 के आसपास है शायद, दिखाता हूँ आपको मैं, नेट बहुत स्लो चला। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस है 2000, तो अभी शायद कुछ डिस्काउंट चल रहा है 952 प्रीमियम एडिशन के लिए। यहाँ पे गाइस आज जो मैं गेम डाउनलोड करने वाला है यहाँ पे आप लिख लेना है गाइस, जैसे मैंने ह्यूमन फॉल फ्लैट इससे मैं सर्च कर लेना गाइस, यहाँ पे भी दिख जाएगा डायरेक्ट में यहाँ पे सर्च बटन, यहाँ से भी आप गाइस ये देख सकते हैं गाइस, ये है मेन गेम। ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्या गेम एक कंपनी है इसी गेम को बनाने वाला, तो देख सकते हैं गाइस इस तरह इसका सबसे मस्त कैरेक्टर है। एंड गाइस इस गेम के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इस गेम के बारे में जानकारी हो जाएगा। तो ये गेम एक फिजिक्स के ऊपर बेस्ड पजल गेम है जिसमें हमें एक इस तरह का, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह का अद्भुत कैरेक्टर मिल जाता है जो बहुत ही मस्त कैरेक्टर दिखता है, जहाँ हमें इस कैरेक्टर को लेके मतलब ऐसा इस तरह का आपको देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा एडवेंचर जैसा आपको सीनरी भी मिल जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे
अच्छे अच्छे मैप्स मिल जाएगा जहाँ पे हमको एग्जिट डोर तक पहुँचाना होता है। हर चीज को जितना भी पजल है उसे सॉल्व करके हमें एग्जिट डोर तक पहुँचाना। इस गेम को गाइस हम अपने मोबाइल में भी खेल सकते हैं, लेकिन मोबाइल वाले में हमें कुछ लिमिटेड लेवल्स ही मिलते हैं क्योंकि हमें उसमें इस तरह का कुछ वर्कशॉप जैसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए गाइस उसमें उतना कुछ फीचर्स नहीं है। तो गाइस उसमें कुछ दिन पहले इसमें दो न्यू लेवल्स भी ऐड किया गया था। तो गाइस पीसी वाले में हम इस वर्कशॉप की मदद से, गेम में खुद ही वर्कशॉप होता है उसको, इसके मदद से हम बहुत ही सारे एक्स्ट्रा लेवल्स भी और स्किन्स बहुत ही सारा कुछ हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। इस गेम में लिमिटेड लेवल्स ही इसमें दिखने को मिलता है, लेकिन वर्कशॉप की मदद से हम गाइस उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा लेवल्स ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस इसका बेस्ट पार्ट मुझे मेन ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देखो गाइस इससे भी ज्यादा खतरनाक मजा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर्स में आता है। तो एंड गाइस आज हम इस एंड के वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे आज आप वर्कशॉप को एक्सेस कर सकते हैं, इसके मदद से हम इस गेम में कैसे एक्स्ट्रा लेवल्स स्किन एक्स्ट्रा मैप्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ डाउन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है इसका प्राइस गाइस। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल प्राइस इसका है। तो गाइस अगर आप खुद सिंगल खरीदते हैं इस गेम को तो अभी फिलहाल ओरिजिनल प्राइस यही है। अभी कुछ डिस्काउंट मैंने कुछ दिन पहले इसका इसे मैं डिस्काउंट में खरीदा था 237 का, यहाँ से खरीद सकते हैं जैसे 70%, लेकिन ओरिजिनल प्राइस का ये है। लेकिन यहाँ पे आपको साउंड ट्रैक भी मिल जाता है और गेम भी आपको मिल जाता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल प्राइस इतना है 237, यहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं। तो उससे पहले गाइस सिस्टम भी दिखा देता है आपका, डिस्कॉर्ड है इनका, डिस्कॉर्ड भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसा भी ड्यूअल कोर में आपका चल जाएगा, आपका लैपटॉप में कम से कम 4 GB 5 GB मतलब 5.5 GB तक का आपका खाली स्पेस रहना चाहिए जो आराम से आपका चल जाए, बहुत ही बढ़िया से चल जाए। मिनिमम एंड रिकमेंडेड इतना है। मैक उसके लिए भी ऐसा गाइस देख सकते हैं, मैक उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है सिस्टम का, तो देख सकते हैं गाइस ये सब है। तो आपको सबसे पहले कोई भी अगर आप गेम खरीदते हो या परचेस करते हो तो सबसे पहले आपको ऐड टू कार्ट करना है इसे। तो जैसे आपको ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ पे आपको रुपीज दिख जाएगा कि इस गेम का इतना है, पेटीएम या डेबिट कार्ड जितना भी उसमें से आपको इतना ही पैसा आपको कटने वाला है। तो गाइस इसमें देखो दो आइटम्स आता है, एक ह्यूमन फॉल फ्लैट गेम और एक आपका इसका ऑफिशियल साउंड ट्रैक भी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस परचेस फॉर माई सेल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद जैसे उसी पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही वैरायटी सब मतलब 8 तरह का आपको पेमेंट्स मेथड मिल जाता है। तो गाइस वीजा मास्टर कार्ड इसके लिए सब, कैश ऑन डिलीवरी पता नहीं गाइस कैसा होता है, कैश ऑन डिलीवरी डेबिट कार्ड मैंने गाइस इसी से खरीदा था, प्रीपेड वैलेट भी पता नहीं गाइस, तो मैंने सबसे पहले इसी से खरीदा था। गाइस ये डोमेस्टिक कार्ड पर आप क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद अगर इसे आप खरीदते हैं तो मतलब ये डोमेस्टिक कार्ड है कि आपका डेबिट कार्ड है, इसका जो कार्ड नंबर है उसको आप डायल कीजिएगा, उसके बाद CVV नंबर डायल करने के बाद जब OTP आएगा उसके बाद आप उसको OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो उस पर आप उसको OTP डालने के बाद आपका डायरेक्ट बैलेंस पैसा कट जाएगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा इंटरफेस। गाइस यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना नेम उम डाल लेना है, जो भी नेम है यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ पहले यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, सारे कुछ फिलअप करके आपने कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा न्यू इंटरफेस दिख जाएगा। गाइस देखो यहाँ पे आपको सब टोटल इतना पैसा, उसके बाद आपको इतना ही पैसा है। उसके बाद गाइस जैसे कुछ भी गेम्स आप खरीदते हैं स्टीम से तो आपको उसमें कुछ स्टीम पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको कुछ जब आपका ज्यादा स्टीम पॉइंट्स होने के बाद आप कोई सा भी गेम खरीद सकते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं यहाँ पे सर। तो गाइस यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू टू नोवा प्ले पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस अभी खुलने वाला है उस पर भी, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बिलिंग एंड इन्फो, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे अपना एक नेम, एक ईमेल आईडी, पिन कोड, सिटी, स्टेट, फोन नंबर आप दीजिएगा यहाँ पे जो आपको एक OTP आने वाला है। तो एड्रेस कुछ भी डाल दीजिएगा, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं आप अपना रियली डाल दीजिएगा जो आपको बाद में काम आए। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक OTP है, वो OTP डाल देने के बाद अपना डेबिट कार्ड का अकाउंट डेबिट कार्ड डाल दीजिएगा, उसका CVV, उसके बाद OTP मांगेगा आपका, जो भी एक बैंक पर जो भी फोन नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आ जाएगा, तो आप उस OTP को डाल दीजिएगा, उसके बाद आपका गेम परचेस हो जाएगा। उसके बाद परचेस होने के बाद आपको यहाँ इस तरह का थैंक यू, इस तरह का देखिए गाइस इस तरह का आपको थैंक यू फॉर योर परचेस वाला पेज दिख जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा इस पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, परचेस वाला गेम जिसने जो आपने गेम परचेस किया उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्टीम पॉइंट्स भी दिख जाते हैं यहाँ पे गाइस, स्टीम कुछ पॉइंट्स आपको वो भी दिख जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस देखिए गाइस यहाँ पे आपको रिसिप्ट का यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिल जाता है जिसे अकाउंट नंबर टोटल। उसके बाद गाइस आप प्रिंट भी कर सकते हैं जो भी आपका गेम्स आपने जो भी परचेस किया उसका जितना आपका जितना उसका प्राइस हुआ गाइस वो सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, आप देख लेना गाइस। तो गाइस अगर बाई चांस अगर आपको नहीं भी दिखता है यहाँ पे इस तरह का पेज, अगर आपको गाइस बाई चांस नहीं भी दिखता है तो गाइस इस लाइब्रेरी पे आ जाना, जो भी गेम आपका डाउनलोड हो जाता है आप इस लाइब्रेरी में दिख जाएगा।
तो गैस यहाँ पे मैंने इस गेम को परचेस किया था। गैस देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अगर आपने पहली बार परचेस किए होंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो आपको 3-4 GB का, शायद 3-4 GB का पहले आपको डाउनलोड करना होगा उसके बाद, तो वहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑटोमेटिक भी इंस्टॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप पर, तो गैस डेस्कटॉप पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्ले ऑप्शन भी दिख जाएगा। जैसे आप अपना अचीवमेंट यहाँ से देख सकते हैं गैस, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको गैस। यहाँ पे देखिए गैस, मैं बताया नहीं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ बैकअप भी कर सकते हैं अपना गेम को। यहाँ पे देखिए गाइस, फ्रेंड प्लेयर सर्वर, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा गाइस। ये फ्रेंड्स में भी आपको ऑनलाइन जो भी आपको फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड ऐड किया होंगे या जो भी ऑनलाइन या जो भी निकल गए होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फ्रेंड लिस्ट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। रिडीम स्टीम वैलेट कोड भी है यहाँ पे गाइस। गाइस यहाँ पे बहुत सारे कुछ देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इसका आपके साउंड ट्रैक के बारे में बता देता हूँ गाइस। साउंड ट्रैक इस तरह का था गाइस, ये साउंड ट्रैक है। तो मतलब ये साउंड ट्रैक आपका जो इस गेम में जितना भी म्यूजिक व्यूजिक जो भी है ना, वो सारे के सारे आपको इसमें आपको लिस्ट बन के दिख जाएगा। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे मैं एक गेम का साउंड एक, तो ये सारा म्यूजिक व्यूजिक है यहाँ पे, सब कुछ म्यूजिक है। तो साउंड ट्रैक का मतलब ये होता है। तो गाइस यहाँ पे इस गेम को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये गेम खुल गया, तो गाइस आपको दिखा देता हूँ गाइस ये गेम कैसे है। तो गाइस ऐसा प्ले ऑप्शन कस्टमाइज जैसे बहुत सारे है। तो गाइस प्ले पे भी हम देखो गाइस, तो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी सिस्टम है इसमें, तो आप लोग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर अपने फ्रेंड के साथ खेल ही सकते हैं। मतलब ये सारे फ्रेंड देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, अपने खुद अपने फ्रेंड को भी है, मतलब आप लोग इनवाइट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। आप दूसरे फ्रेंड के साथ भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं गाइस, वैसे आप मेरे साथ भी खेल सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, अब से मैं इस गेम के ऊपर या दूसरा कोई सा भी गेम के ऊपर वॉइस ओवर गेम प्ले वीडियो डालने वाला हूँ अपने चैनल पर, हर हफ्ते या जब जब टाइम मिलेगा। तो उसके बाद मैं गाइस इस गेम के ऊपर मैं भी डालते रहूंगा आपको गाइस, आप मेरे साथ भी खेल सकते हैं अगर आपको खेलने का मन है तो। आप गाइस सब कमेंट कीजिएगा गाइस। लोकल पे चलेते गाइस, ये लोकल मतलब यहाँ पे आपको लेवल दी जाएगा गाइस, सिलेक्ट लेवल। तो गाइस आपको देख सकते हैं, आप सबसे पहला आपका ये लेवल है, दूसरा तीसरा बहुत सारे यहाँ पे लेवल दिख जाते गाइस। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लेवल्स दिख जाते गाइस। तो उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब लेवल्स भी है गाइस, ये सब वर्कशॉप का लेवल्स है गाइस, ये सभी बहुत ही मजेदार लेवल्स है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग ऐड कर सकते हैं गाइस। तो आपको वर्कशॉप के बारे में बता दें कि आप वर्कशॉप कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले इस गेम का म्यूजिक थोड़ा कम कर देता है यहाँ से गाइस। देखो ये ओपन स्टीम वर्कशॉप को, यहाँ पे वर्कशॉप दिख जाता है गाइस, यहाँ से आप सब ऐड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी मैप या कोई सा भी स्किन, कुछ भी चीज। तो मैं दिखाता हूँ गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे गाइस पार्कर भी दिख जाएगा आपको, कि बहुत सारे पार्कर है वहाँ पे भी आप अपना फ्रेंड के साथ किसी के साथ पार्कर भी कर सकते हैं। मतलब देखिए गाइस एक पार्कर ये है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक गेम दिखाता हूँ कोई सा बढ़िया वाला है। तो ओके गाइस, एक मैप मिला है गाइस, तो ये ट्रायल्स इन कैस्टल, तो पता नहीं कैसा मैप है, मैंने कभी खेला नहीं। इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ वर्कशॉप से। तो गाइस यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे आप प्लस करके भी ऐड कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो वर्कशॉप लिखा हुआ है। तो गाइस देखो पता नहीं कैसा मैप है, मैं इसको देखता हूँ आपको दिखाता हूँ इसका गेम। तो गाइस अगर आप फ्रेंड के साथ खेलें तो इसमें 8 प्लेयर्स आराम से आ जाएगा। तो गाइस इसको सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे इसको बैक करना है। एस्केप जो बटन आपको कीबोर्ड पे दिख जाएगा ना, ESC, उसको आप बैक कर दीजिएगा तो आप सारा बैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है एक बार कि ऐड हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है ना, अगर नहीं दिखाता आपको एक बार, तो आप लोग से रीस्टार्ट कर लीजिएगा गेम को, आपको दिख जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ यार। हाँ बैक कर लेने से भी शायद आपको दिख जाए, करेक्ट लेवल्स में आपको दिख जाएगा वो। हाँ ये रहा गाइस, देखो ट्रायल्स इन केस गेम को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता गाइस। वैसे वीडियो बहुत लंबी चोरी हो गई गाइस, लेकिन आपके लिए मैं बना के दिखा दिया गाइस। देखा तो गाइस कैसा है। हाँ दिखाता हूँ गाइस, चलते है गाइस, चढ़ जाओ ऊपर, पकड़ ले लेग। थोड़ा सा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस, इसलिए थोड़ा सा लेग कर रहा है। एक तो प्लस नेट भी खुला पड़ा है, मेरा वाईफाई खुला है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक हाँ चढ़ गया, बैक हो जा, हाँ पीछे जा, साइड जा, तो चढ़ गया गाइस। नहीं नहीं नहीं, मैं बच गया गाइस, प्रूव ना गाइस, इसलिए मजाक कर रहा हूँ गाइस, कोई प्रूव नहीं है, मैं भी बस कुछ दिन से ही खेल रहा हूँ। हाँ तो गाइस पहुंच गया मैं यहाँ पे। केसल नाम से एक मैप है जो इसे आप मोबाइल में भी आप लोग खेल सकते हो, लेकिन पहला वर्जन है, शायद दूसरा वर्जन जो आपने इसे इंस्टॉल किया है वर्कशॉप के मदद से, गाइस इसलिए आपको दूसरा वर्जन आपको दिख रहा है केसल का। गाइस यहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से
अरे नहीं मैं गिर गया नीचे। तो यहाँ से आपको देख सकते क्या ही मस्त है मैप है। मैं एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ इस मैप का। ऐसा मैप बहुत सारे आपको ऐसे ही पजल सॉल्व करके आपको शायद मेरे ख्याल से मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट गाइस, हाँ दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए गाइस मैं पहले ऊपर जाता हूँ गाइस। हाँ यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या व्यू मस्त व्यू दिखता है आपको गाइस इस गेम का। मतलब यहाँ से हमको जाना होता है, यहाँ से मैं मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ से जाके फिर यहाँ पे मतलब यहाँ तक हमको जाना पड़ता है, फिर इसे तोड़ता है पजल सॉल्व करके मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से मुझे यहाँ तक आना होगा, फिर ऊपर चलते है ऐसे। हाँ यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे मुझे एग्जिट डोर होगा शायद कहीं पे, जहाँ पे दो यहाँ पे आपको दो लोगो दिख जाएगा गाइस, कहाँ पे है पता नहीं। हाँ वो जैसे जैसे गेम खेल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत लंबी वीडियो गेम है, इसको अभी फिलहाल के लिए एग्जिट कर देता हूँ। वैसे गाइस ये गेम बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप फ्रेंड के साथ अगर आप खेलेंगे ना, चार गुना आपको मजा आ जाएगा इस गेम को खेलने में। ये इतना मस्त लगता है गेम खेलने में गाइस। तो बहुत सारे मैप्स है, अपने मन चाहे अपने कुछ भी देखे कैसे पार्कर वाला है गाइस आप खेल सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, कोई भी आप गेम खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही गाइस, आप सबका धन्यवाद है फुल वीडियो वॉच करने के लिए। अगर लेकिन गाइस अगर कोई कुछ दिक्कत आता है तो आप गाइस स्टीम में भी हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं तो फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करने का आपको कोशिश करूंगा। और गाइस एक बार इस गेम को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट भी कीजिएगा मेरे साथ अगर आप खेलना चाहते हैं तो। थैंक्स आप लोग का गाइस, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे गाइस।